नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फुल वैरायटी में। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको नॉलेज देगी, और मेरे हिसाब से नॉलेज ही आपकी पावर है। और टॉपिक यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी FIR कर देता है, इन दैट केस आप कैसे पुलिस से बचोगे, कैसे आप गिरफ्तारी से बचोगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि FIR सही ही करी गई होगी, कई बार कुछ लोग किसी को फंसाने के लिए भी FIR कर देते हैं। तो इन दैट केस अगर आपको लगता है कि आप सही हो और जो FIR में जो लिखी हुई है चीज़ें वो गलत लिखी हुई है, तो उस केस के अंदर आप उस FIR को चैलेंज कर सकते हो। तो हाँ दोस्तों, मैं यही आपको बताऊंगा कि FIR अगर झूठी लिखी गई है उससे बचने के लिए आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप गिरफ्तारी से भी बच सको, चाहे वारंट निकल जाए तब भी आप बच जाओगे गिरफ्तारी से। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, जो FIR आपके खिलाफ दर्ज हुई है आपको ये देखना है कि जो उसमें लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। अगर आपको लगता है कि सही नहीं लिखा हुआ तो आप उस FIR को चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है जो प्रूफ कर सके, या इमेजेस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इन सबको कलेक्ट करके एक एप्लीकेशन लिखनी है कि ये FIR लिखी गई है, जबकि इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ये FIR सही नहीं है, ये FIR फॉल्स है। उसमें CRPC सेक्शन 482 के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोविजन है हमारे इंडियन लॉ में, जिसमें आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, FIR को चैलेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी रीजन हो, अंटिल एंड अनलेस हाई कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाता कि हाँ भाई यही बंदा कल्प्रेट है और इसने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जो कुछ भी है ये गलत भेजा है और FIR सही थी। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तभी पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट कहता है कि ये FIR गलत है तो पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। और जब तक डिसीजन नहीं आता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेनली FIR को चैलेंज करना है अपने सारे जो प्रूफ्स है उसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों इसमें सबसे मेन बात क्या है, अगर आपके खिलाफ वारंट भी जारी हो चुका है तब भी आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, वो वारंट वहीं के वहीं पर रुक जाएगा जब तक हाईकोर्ट का रिजल्ट नहीं आया था। तो दोस्तों मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि FIR होने के बाद एकदम से वो हड़बड़ाहट में कुछ भी कर बैठते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इसके बाद ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि सबको पता लग सके और वो घबराए ना इन चीजों से, इनफैक्ट अपनी नॉलेज का यूज करें, क्योंकि नॉलेज बहुत बड़ी पावर है। हाँ पैसा है लेकिन नॉलेज भी बहुत बड़ी पावर है, तो इस सब नॉलेज का यूज करके वो सही डिसीजन ले सकते हैं कि इस टाइम उन्होंने करना क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो हाई कोर्ट से फैसला आएगा वो कौन देगा, जज देगा, मैजिस्ट्रेट देगा या जस्टिस देगा। तो दोस्तों इस बात को जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जबरदस्त सी, वो आप इस वीडियो को आई बटन पर देख सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है कि जज में और मैजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली जस्टिस भी क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ, जय हिंद।